हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों ये वीडियो है सिर्फ जो नहीं पढ़ते हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को, जो भी लोग नहीं पढ़ते या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप इस वीडियो को उनको जरूर शेयर करें। और अगर आप कैप्टन एग्रो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज की वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, इसमें कोई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर जेट किसी की तैयारी नहीं करवा रहा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। ये वीडियो है टेंथ वालों के लिए, इलेवेंथ वालों के लिए, ट्वेल्थ वालों के लिए। तो क्यों नहीं करते, इसका रीजन क्या होता है, इसके रीजन को समझने के लिए अपन एक स्टोरी से इसको समझेंगे। आप स्टोरी को पूरा सुनिएगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और आज के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप पढ़ाई करने लग जाओगे, आपका मन पढ़ाई में लगेगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों समझते हैं इसको एक स्टोरी से। दोस्तों ये स्टोरी है एक बिल्डर और कारीगर के बीच की। दोस्तों कोई कारीगर था जो किसी बिल्डर के यहाँ पे काम किया करता था, और उसने कम से कम 20-30 साल उसी के यहाँ पे काम किया है मकान वगैरह बनाने के। जो बिल्डर था कुछ बिल्डिंग बनाने के ठेके लेता था और जो कारीगर है वो मकान बना के उनको दे देता था। तो दोस्तों ये सिलसिला काफी टाइम से चल रहा था और कारीगर काफी अच्छे अच्छे मकान बनाता था। उसने अपनी लाइफ में काफी अच्छे अच्छे बंगले बनाए, काफी शानदार शानदार मकान बनाए। तो लोग भी खुश थे और जो बिल्डर था वो भी खुश था, क्योंकि वो उसको अच्छे मकान बना के दे रहा था। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो कारीगर था उसने काफी ज्यादा काम कर लिया, उसने 50-60 साल का हो गया था। तो उसके मन में आया कि यार मैं कहाँ तक काम करता रहूंगा, मुझे कुछ टाइम है जो घर वालों के साथ बिताना है, घर वालों के साथ रहना है, उनके साथ घूमना है, उनके साथ फिरना है, खाना खाना है, काफी काम करने थे, घर वालों के साथ रहना है, उनके साथ एंजॉयमेंट करना है, उनके साथ घूमना है, ये सब कुछ करना था। तो दोस्तों कारीगर के मन में एक सवाल आया कि अब मेरे बेटे हैं, काफी बड़े हो गए, अब वो कमाने लग गए तो मैं क्यों कमाऊं। तो जो कारीगर है वो बिल्डर के पास जाता है और बोलता है कि बिल्डर साहब मैंने काफी मकान बना दिए आपके लिए, और अब मैं जॉब है जो नौकरी है उसको छोड़ना चाहता हूँ, आप कोई और कारीगर लगा लो। तो बिल्डर बोलता है भाई ऐसा क्यों। तो कारीगर बोलता है कि मुझे भी कुछ घर वालों के साथ रहना है, उनके साथ घूमना है, खाना खाना है। तो बिल्डर बोलता है चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मेरी और मान लो कि एक लास्ट मकान और बना दो आप अपनी जिंदगी का। कारीगर बोलता है कि यार जब मैंने 40 साल तक इस आदमी के लिए मकान बनाया है तो एक मकान और सही, 6 महीने और लग जाएंगे। कारीगर बोलता है कि ठीक है बना दूंगा, फिर क्या। जो बिल्डर था उसने कहा कि आज से स्टार्ट कर दो काम, और उसने काम स्टार्ट किया, 6 महीने तक मकान बनाता रहा। लेकिन जो कारीगर था उसके माइंड में चल रहा था कि यार फटाफट मकान कंप्लीट करो, जितना जल्दी होगा उतने जल्दी ये मकान बना के मैं घर पे जाऊं, उनके साथ रहूं, उनके साथ घूमूं, उनके साथ फिरूं, खाना खाऊं मेरे बच्चों के साथ, ऐसा उसके माइंड में चल रहा था। उधर तो काम कर रहा था मकान बनाने का, लेकिन ध्यान कहाँ था उसका, पूरा अपने घर पे ध्यान था। तो उस मकान को सही से नहीं बना पाया और मकान बन के कंप्लीट हो गया 6 महीने बाद। 6 महीने बाद कारीगर बिल्डर के पास जाता है और बोलता है कि आपने जो मकान बनाने के लिए मुझे दिया था वो कंप्लीट हो गया है, आप उसको चल के देख सकते हो। तो बिल्डर और कारीगर दोनों जाते हैं कार लेके और उस मकान के पास जाते हैं, और जैसे दोनों बाहर उतरते हैं कार से तो बिल्डर बोलता है कि यार यह मकान कैसा बनाया है। उस मकान में क्या था दोस्तों कि कुछ दीवार थी जो टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, छत वगैरह सही से नहीं डाली हुई थी, पेंट वगैरह सही से नहीं हो रहा था। कहने का मतलब वो इतना अच्छा नहीं बनाया था, उसमें कुछ कमियां थी काफी ज्यादा, जिसकी वजह से वो मकान बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा था। तो बिल्डर बोलता है कि चलो ठीक है जो बनाया वैसा ठीक है, और कारीगर बोलता है कि मैंने तो काफी मेहनत की है और अच्छे से बनाया है। तो बिल्डर बोलता है यार तुमने तुम्हारी जिंदगी में सारे मकान बहुत अच्छे से बनाए, लेकिन ये मकान कैसे बनाया, चलो ठीक है यहाँ तक जो हुआ वो ठीक था। उसके बाद में बोलता है कारीगर कि अब मैं जा सकता हूँ, मैंने मेरे जिंदगी का लास्ट मकान बना दिया है। तो बिल्डर क्या बोलता है कि 2 मिनट रुको, और वो बिल्डर अपनी जेब में से चाबी निकालता है और उस कारीगर को देता है और बोलता है कि ये तुम्हारी मेहनत का फल है और ये चाबी उस मकान की है जो तुमने बनाया है, ये मकान मैंने किसी और के लिए नहीं बनवाया था, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए बनवाया था। तब कारीगर को यहाँ से दुख हुआ। दुख क्यों हुआ, उसको बाद में पता चला कि अगर मुझे पता होता ना ये मकान मेरे लिए बना रहा हूँ तो काफी अच्छे से बनाता, लेकिन दोस्तों उसको पता ही नहीं था कि ये मकान उसी को गिफ्ट में मिलने वाला है, इसीलिए उसने उस मकान को अच्छे से नहीं बनाया। लेकिन दुख हुआ बाद में, खैर जो हुआ वो तो होना था। तो कहने का मतलब इस स्टोरी से दोस्तों आपको क्या समझ में आया है कि जो भी टेंथ में पढ़ रहे हैं, इलेवेंथ में पढ़ रहे हैं, ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं, वो आप लोग आपका फ्यूचर बना रहे हो। दोस्तों आपका फ्यूचर मतलब है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो इससे आपका रिजल्ट सही रहेगा। कब रहेगा सही, क्योंकि दोस्तों आपको तो बता दिया ना मैंने यार कि आप अपने जिंदगी का मकान खुद बना रहे हो, आपका फ्यूचर खुद बना रहे हो, तो फिर क्यों टेढ़ी मेढ़ी ईंटें जमा रहे हो इधर उधर दीवार में। बिल्कुल सही से मकान बनाओ, कहने का मतलब है आप बिल्कुल तन और मन
दोनों से पढ़ाई करो तभी आपका रिजल्ट सही रहेगा। और यार मैं गारंटी देता हूँ, आप एक बार मन से पढ़ाई करो, आपका पढ़ने में मन बिल्कुल लगेगा, आप हर वो चीज फाइट कर सकते हो, आप हर अच्छी से अच्छी परसेंट बना सकते हो, लेकिन कब? जब आप तन और मन दोनों से पढ़ाई करोगे। क्योंकि दोस्तों आप अपनी जिंदगी का मकान खुद बना रहे हो, क्योंकि पहले तो दोस्तों उस कारीगर को पता नहीं था कि वो मकान अपने लिए बना रहा है, नहीं तो सही से बनाता। वैसे दोस्तों अगर आपको भी पहले पता नहीं था कि आप अपना फ्यूचर खुद बना रहे हो, मकान खुद बना रहे हो, तो आज से मैंने आपको बता दिया है कि आप अपनी जिंदगी का मकान, आपका फ्यूचर खुद बना रहे हो। और दोस्तों आपको तो मैंने बता दिया है कि जो आप आपकी जिंदगी का मकान बना रहे हो, जो आपका फ्यूचर बना रहे हो, आप बना रहे हो। और ये आपको मैंने बता दिया है कि आप बना रहे हो आपका फ्यूचर, आपका मकान आप बना रहे हो, तो यार फिर इसको क्यों खराब बनाए, क्यों टेढ़ी मेढ़ी ईंटें जमाए? आपको बिल्कुल सही से जमाना है, सही से अपना फ्यूचर बनाना है, और सही से फ्यूचर बनाने के लिए आपको तन मन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आपका फ्यूचर सही होगा। दोस्तों एक बार सोचो तो सही, अगर उस कारीगर को पता होता ना कि ये मकान मेरे लिए बना रहा हूँ तो काफी अच्छे से बनाता। तो दोस्तों आपको तो मैंने बता दिया है कि आप मकान जो बना रहे हो आपके लिए बना रहे हो, तो आप इसको अच्छे से बनाए, बिल्कुल अच्छे से बनाए, इतना अच्छे से बनाए कि बस यार सब कुछ ठीक चले। और दोस्तों जो होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना ना भूले। दोस्तों एक टॉपिक है जिसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों के लिए। दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जैतून उत्पादन है यहाँ पे, अभी फिलहाल राजस्थान में कौन सी कंपनी ने यहाँ पर कंपनी डाली है, कौन सी कंपनी का गठन हुआ है और कब हुआ है? तो दोस्तों राजस्थान में जैतून उत्पादन के लिए ROCL राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड एक कंपनी है, इसका गठन दोस्तों 19 अप्रैल 2017 को हुआ है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि ROCL का गठन कब हुआ, आप लोगों को डेट अच्छे से याद रखनी है, 19 अप्रैल 2017 को ROCL का गठन हुआ है। और दोस्तों इसके जो फार्म है जैतून फार्म वो डिंडोल बस्ती जयपुर में है, लूनकरण सर बीकानेर में है, जैतून फार्म टिकरडी अलवर में है, दोस्तों बांस बिसाना झुंझुनू में है, जालोर में है, नागौर में है, गंगानगर में है। तो दोस्तों ये जैतून के फार्म थे। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन में दो चीजें अच्छे से याद रखें कि ROCL का पूरा नाम क्या है और इसका गठन कब हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो यार इसको लाइक जरूर करें और